Hello everyone, welcome back to our last part of class 6th English, chapter number 6, Who I Am. I, Shweta Somra, I am your English teacher and today we will discuss part 4th and the last part of this chapter. This is the question answer part. As you all know, we have discussed the chapter in the last 3 parts about beautiful kids like you all. हमने लास्ट 3 पार्ट्स में आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चों के बारे में पढ़ा था. आपको क्या पसंद है, क्या आप बनना चाहते हैं, कैसे आप अपना फ्यूचर देखते हैं और क्या आपकी लाइक्स और डिसलाइक्स हैं. पढ़ा था ना हमने किन किन बच्चों के बारे में पढ़ा था. वी रेड अबाउट राधा, अ गर्ल हु लाइक टू क्लाइम द ट्रीज एंड ईट प्लकिंग रॉ मैंगोज. राधा एक लड़की के बारे में पढ़ा था जिसको रॉ मैंगोज खाने पसंद थे, पेड़ पे चढ़ना पसंद था, उसको बहुत ज़्यादा पसंद था. दूसरे किसके बारे में हमने पढ़ा था, हमने नासिर के बारे में पढ़ा था जिसको बड़े होके सीड कलेक्टर बनना है, जो पहले वाली साल की फसल से सीड्स बचा के प्रिजर्व करके अगले साल क्रॉप्स ग्रो करने में हेल्प करें, है ना. उसको यही बनना था ना, सीड कलेक्टर, क्योंकि हर साल उसके फादर को पैसे खर्च करके और नए सीड्स खरीदने पड़ते थे क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, कॉटन क्रॉप्स को. Then in the second part we read about which Rohit who liked to move around in the world. उसको घूमना फिरना पसंद था, ट्रैवलिंग पसंद थी और कहाँ कहाँ जाना उसको पसंद नहीं था, उसको पूरी दुनिया घूमना था. उसको पिरामिड्स जाने थे इजिप्ट, उसको लक्षद्वीप में कोरल्स देखने थे, न्यूजीलैंड के माउंटेन्स देखने थे, कोनार्क सन टेम्पल एंड एवरीवेयर ही वांटेड टू गो ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना. उसको नेचर बहुत पसंद थी. उसके बाद हमने किसके बारे में पढ़ा था बेटा, हमने सरबजीत के बारे में पढ़ा था. सरबजीत के बारे में क्या पढ़ा था कि उसको जब सच बोलने पे भी डांट पड़ती थी या लोग क्वेश्चंस की दृष्टि से उसको देखते थे, वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं था. जब वो टीचर्स या पेरेंट्स के सामने सच बोलता था, इवन आफ्टर स्पीकिंग ट्रूथ, उसको गलत ही समझा जाता था, है ना. ये चीज़ उसको बहुत बुरी लगती थी. देन इन अ थर्ड पार्ट वी रेड अबाउट अ गर्ल हुज नेम वॉज डोल्मा. डोल्मा नाम की लड़की के बारे में हमने पढ़ा था और उसको क्या पसंद था बेटा, उसको पसंद था कि वो बड़ी होकर एक प्राइम मिनिस्टर बने अपने कंट्री की, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने, यही वो चाहती थी ना. और उसने ये भी कहा था कि सब लोग जब भी ये सुनते थे हर कोई हंसता था मेरे ऊपर कि ये देखो ये प्राइम मिनिस्टर बनेगी, है ना. तो आप लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, कभी भी अपने जो ड्रीम्स हैं उसको अगर आप किसी के सामने रखते हैं और कोई उस पर हंसता है, डोंट वरी एट ऑल, इतना सा भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आप में, ठीक है. उसको बिल्कुल परेशान नहीं होना. जो हंसने वाले हैं ना, वो जिस दिन आप अपना ड्रीम अचीव करेंगे उस दिन उनकी हंसी बंद हो जाएगी एंड दे विल से हैट्स ऑफ टू यू, ठीक है. सो दिस हैपन्स, इट्स बट नेचुरल. और वो क्या करती थी, अपनी स्कूल के भी सारे प्रोग्राम्स में अच्छे से कंडक्ट कराती थी और दूसरे स्टूडेंट्स अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कराने उसके पास आते थे. एट लास्ट वी रेड अबाउट बॉय हुज नेम वाज पीटर एंड ही एंजॉयड वॉचिंग मूवी ऑन एवरी सेकेंड संडे ऑफ मंथ. हर सेकेंड संडे हर मंथ के उसको पसंद था अपने फैमिली के साथ मूवी जाना और क्या खाना, पीनट्स खाना, अंधेरे में बैठ के कुछ मंच करते हुए मूवी देखना अपने फैमिली के साथ. और क्या करना पसंद था, घर लौटते टाइम सब लोग आइसक्रीम खाते थे, उसको वो भी बहुत पसंद था. सो दीज वर द किड्स जस्ट लाइक यू ऑल वी डिस्कस्ड इन द लास्ट 3 पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर एंड टुडे इन दिस पार्ट वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स एंड आई समराइज द चैप्टर ओनली बिकॉज इट विल बी ईजी फॉर यू टू डू द क्वेश्चन आंसर्स नाउ, ठीक है. चलो हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, जल्दी से तैयार हो जाओ. फर्स्ट वन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. पीटर्स फेवरेट डे ऑफ द वीक इज संडे बिकॉज अभी हमने जस्ट अभी पीटर की बात की थी ना, पीटर की बात की थी, उसको सेकंड संडे को पसंद था. क्यों पसंद था, क्योंकि उस दिन हर उसका फैमिली मेम्बर कहाँ जाता था, मूवी देखने जाता था, है ना, इसलिए उसको पसंद था ना. Peter's favorite day of the week is Sunday because on this day his whole family always goes to cinema hall to see a film. क्योंकि उस दिन उसको अपने पूरे फैमिली के साथ सिनेमा हॉल में मूवी देखने का मौका मिलता था. So he enjoyed the second Sunday of every month, because on that particular day he used to go along with his family to watch a movie in the theater hall. All right, so this we have done. Next is Nasir wants to learn. Now I told you who was Nasir. He wanted to be a seed collector, है ना. नासिर को seeds हर साल उसके father को seeds purchase करने पड़ते थे ना market से, जब भी उनको cotton grow करना होता था. So he wanted to become a seed collector. Now we will discuss what he wants to learn. Nasir wants to learn what? How to preserve seeds so that we can use them again. You all know this, we discussed it just now, that Nasir wanted to preserve the seeds of the previous year so that he could save the money which was spent every year to purchase the seeds. ठीक है, वो अपने पैसे बचाने के लिए पिछले साल के सीड्स को प्रिजर्व करके रखना चाहता था और उसका एक मेथड वो समझना चाहता था. ठीक है, सीखना चाहता था. ये भी आप सबको पता है. Now this is the third one. Dolma believes that she can make a good prime minister because. अब डोलमा आपको पता है कौन थी? एक लड़की थी, बहुत ही सिंसियर, बहुत ही डिटर्मिन्ड और स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड वाली लड़की थी, है ना. और वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती थी, सब लोगों की वो हेल्प करती थी. डोलमा बिलीव्स दैट शी कैन, वो अपने ऊपर उसको यकीन था कि वो एक प्राइम मिनिस्टर एक दिन ज़रूर बनेगी. क्यों था वो यकीन? बिकॉज everyone in her class asks her what to do when they have a problem. This is because you all know a prime minister of any of the country has lots and lots of responsibilities on his shoulders. है कि नहीं? जो भी पर्सन किसी भी देश के प्रधानमंत्री होते हैं उनके कंधों पर बहुत भारी जिम्मेदारी होती है पूरा वास्ट कंट्री चलाने की, है ना. और बहुत सारी टास्क्स होती हैं जो उनको एग्जीक्यूट करनी होती हैं, उनको काम करना होता है अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए. बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं ना. तो डोलमा क्या कह रही है, उसको अपने आप पे इसलिए यकीन था कि वो एक दिन प्राइम मिनिस्टर बनेगी क्योंकि वो अपनी क्लास के, अपनी स्कूल के बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व करती थी और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स लेके स्टूडेंट्स उसके पास आते थे एंड शी यूज्ड टू solve those problems. So Dolma believes that she could be a prime minister one day because she used to solve the problems of the students of her class as well as the school. So this was the reason why she was confident on herself. Now write true or false against each of the following statements. Now here we have to write the true or the false. आप सबको पता है and they are very easy also. Come, let's start. फर्स्ट वन इज़ पीटर इज़ एन ओनली चाइल्ड. पीटर क्या था? अपने घर में अकेला बेटा था? नो, ही हैड टू एल्डर ब्रदर्स. इसको दो भाई और थे, तो सिंगल चाइल्ड तो नहीं था. दिस मीन्स दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट. ओके, दिस वन इज़ फॉल्स. लेट मी राइट हियर. ऑल राइट, नाउ सेकेंड वन इज़ When Sarabjit gets angry, he shouts at people. ऐसा था क्या? जब सरबजीत को गुस्सा आता था तो वो चिल्लाता था लोगों पे? Not at all. What did he do? He used to look down on his shoes and he started counting from 1 to 10. सरबजीत क्या करता था? काउंटिंग स्टार्ट कर देता था 1 to 10 तक, ताकि जब तक उसको डांट पड़ रही है तो कोई उसका एंगर जो है वो ना देख पाए. और बस वो नीचे मुंह करके अपने शूज़ देखता रहता था और 1 to 10 काउंटिंग करता था ताकि उसका गुस्सा काम डाउन हो जाए, है ना. तो शाउट नहीं करता था ना. तो इसका क्या मतलब है? दिस इज़ ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट. ठीक है. थर्ड वन इज़ नासिर लिव्स इन द सिटी. नासिर कौन था? जो सीड कलेक्टर बनना चाहता था, है ना. लेकिन वो तो एक विलेज में रहता था. ही यूज्ड टू लिव इन अ विलेज विथ हिज पेरेंट्स. और वहाँ पे वो कॉटन के जो फील्ड्स थे उसमें कॉटन प्लांट्स ग्रो करता था. तो दिस इज़ ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट. नासिर डिड नॉट लिव इन अ सिटी, ही यूज्ड टू लिव इन अ विलेज. ऑलराइट, सो दिस वन इज़ ऑल्सो फॉल्स. ठीक है. Next, Radha's mother enjoys doing things with her. अब आपको ध्यान है राधा की मामा उसको मना तो करती थी कि डोंट क्लाइंब ऑन अ ट्री, दिस इज़ नॉट फॉर गर्ल्स, दिस इज़ फॉर बॉयज़ टू डू. बट वन फाइन डे शी ऑल्सो क्लाइंब द ट्री अलॉन्ग विद हर एंड शी प्लक द रॉ मैंगोज, एट एंड दे टॉक्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. राधा की मामा ने भी उसके साथ एंजॉय किया था. यू रिमेंबर दैट? सो दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट. दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू. ठीक है, वी आर डन विद द ट्रू एंड false. Now this one is fill in the blanks to name the different kinds of intelligence. One has been done for you. Now there are so many types of intelligence. Here we are going to discuss according to the statements what type of the intelligence fits into them. ठीक है, अलग अलग तरह की intelligence हैं और अब हम statements को पढ़ेंगे और उसमें कौन सी intelligence fit होगी वो हम उस fill in the blank में लिखेंगे. All right, so pay attention. This one is done for us. Let us read it. When I enjoy listening to people and solving their problems, I use my interpersonal intelligence. Now here somebody is saying that when they hear the issues or problems of the people, they use their own brain or the interpersonal इंटेलिजेंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. जो उनके खुद के दिमाग से उनकी इंटेलिजेंस क्रिएट होती है उसको यूज़ करके वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हैं. ठीक है, सो दिस वन इज़ द इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस. नाउ द फर्स्ट वन विच वी हैव टू डू ऑन आवर ओन इज़ व्हेन आई एंजॉय डांसिंग और फिजिकल एक्टिविटी I use my bodily intelligence. Okay, हमारे शरीर की जो इंटेलिजेंस है वो हम काम में लेते हैं जब हम कोई एक्टिविटी, कोई डांसिंग या कोई और परफॉर्मेंस हम कर रहे होते हैं तो. ऑल राइट, नेक्स्ट इज व्हेन आई एंजॉय लुकिंग एट मैप्स एंड एग्जामिनिंग पिक्चर्स आई यूज़ माई डैश इंटेलिजेंस. जब मैं कुछ मैप्स को देख रहा हूँ या फिर कोई पिक्चर्स को एग्जामिन कर रहा हूँ, पिक्चर्स को देख रहा हूँ, देखना मीन्स बेटा विजन है ना, विजन होता है हमारा, हमें जो दिखता है उसको बोलते हैं. सो इट विल बी अ विजुअल इंटेलिजेंस. ऑल राइट, सो हियर दे आर लुकिंग एट, सो हियर वी विल यूज अ विजुअल, हमारी आइज की इंटेलिजेंस काम आती है. नेक्स्ट इज व्हेन आई एंजॉय वर्किंग विद नंबर्स एंड सॉल्विंग मैथ्स प्रॉब्लम्स आई यूज माई मैथमेटिकल इंटेलिजेंस. जब हम कोई मैथ्स के प्रॉब्लम्स या सम्स को सॉल्व करते हैं तो हम कौन सी इंटेलिजेंस काम में लेते हैं? ऑब्वियसली मैथमेटिकल इंटेलिजेंस. नेक्स्ट इज व्हेन आई एंजॉय टेलिंग अ स्टोरी और आर्ग्यूइंग आई यूज़ माई वर्बल इंटेलिजेंस. जब मैं किसी को कुछ कह रहा हूँ या आर्ग्यू कर रहा हूँ, बहस कर रहा हूँ उस टाइम, या फिर मैं कोई स्टोरी नरेट कर रहा हूँ, है ना, पढ़ के नहीं नरेट कर रहे हैं, ऐसे ही हम बता रहे हैं किसी को, तो हम हमारी कौन सी इंटेलिजेंस काम में लेते हैं? वी यूज़ द वर्बल इंटेलिजेंस. वर्बल यू नो विच इज़ स्पोकन आउट, जिसको हम बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वर्बल. ठीक है, आपके ओरल टेस्ट भी होते हैं, रिटन्स भी होते हैं, है ना, तो ओरल क्या होते हैं आपके? वर्बल टेस्ट, वर्बली आप बोल रहे हो, है ना, दैट इज़ वर्बल इंटेलिजेंस. सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. Match the job on the left with the description on the right. Now here are the various types of jobs of the people and here the description of what the people do in this job is given. यहाँ पे तो अलग अलग तरह के काम या professions दिए हुए हैं, लेकिन इस साइड क्या दिया हुआ है, क्या क्या उनको करना होता है उस particular जॉब में या उस particular profession में. ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे. First one is navigator. Another word is architect. Another is politician. Now let's read these one also. This is not the same of the navigator, but we have to find them. Okay. Advises people what to do about jobs, personal problems, etc. Next is work in politics, usually by standing for election. ये कौन होते हैं आपको पता है. Finds and monitors the route to get the place or the direction of a travel. ठीक है, this is navigator, but we will discuss it in the answer. Now engineer, computer programmer, athlete, disc jockey and composer, these are various types of what? Jobs or professions people are into. ये अलग अलग तरह के jobs हैं या काम हैं जो लोग करते हैं. ठीक है, Reports on recent news for newspaper, radio or TV, ये कौन करते हैं? You all know that. Plans, the designs ऑफ अ बिल्डिंग, टाउन और सिटी। ये कौन करते हैं, कौन बनाते हैं बिल्डिंग्स के प्लान्स। कंट्रोल्स एंड पुट टुगेदर अ प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक, ये कौन करता है। ऑब्वियसली वर्क इन स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज सच एज रनिंग, जंपिंग एटसेट्रा। डिज़ाइंस एंड बिल्ड्स थिंग्स लाइक रोड्स, ब्रिजेस और इंजन्स। अब हम इसके क्या डिस्कस करेंगे बेटा, आंसर्स। एक और देखते हैं, काउंसलर एंड जर्नलिस्ट makes up notes to create music, designs the system by which a computer runs or gives information. So these are the jobs और ये उनके profession को क्या करने का काम है वो इसमें लिखा है। Now we will discuss the answers. First one is navigator, ठीक है। What do you mean by this? Navigator क्या होता है बेटा, finds and monitors the routes to get to a place or the direction of ट्रैवल। नेविगेशन पता है ना आपको, हम जब कहीं जा रहे होते हैं, हमने गाड़ी में या कहीं भी जा रहे होते हैं, तो जो नेविगेशन है वो हमको बताता है ऑन विच रूट वी हैव टू गो एंड इन विच डायरेक्शन, ठीक है। सो दिस इज़ अ नेविगेटर। आर्किटेक्ट कौन होता है, प्लान्स द डिज़ाइंस ऑफ बिल्डिंग्स, टाउन्स और सिटीज़। नाउ आर्किटेक्ट यू ऑल नो ही इज़ अ पर्सन हु प्लान्स द डिज़ाइंस ऑफ द बिल्डिंग्स। वो ये प्लान बनाते हैं कि किस तरह की बिल्डिंग की डिज़ाइन होगी, कितनी बड़ी होगी, कितनी स्टोरी की, उसमें कितने फ्लोर्स होंगे, कितने रूम्स, कितनी बालकनीज, व्हाट ऑल इज़ टू बी डिसाइडेड इज़ डन बाय द आर्किटेक्ट्स, ठीक है। टाउन प्लानिंग, कहाँ पे पार्क होगा, कैसे रोड्स होंगी, सीवरेज लाइंस कैसे जाएंगी, ये सब कौन करता है, आर्किटेक्ट्स प्लान करते हैं। नेक्स्ट इज़ पॉलिटिशियन। आपको पता है पॉलिटिशियन, नेताजी क्या करते हैं, वर्क्स इन पॉलिटिक्स यूजुअली बाय स्टैंडिंग फॉर इलेक्शन। वो क्या करते हैं, पॉलिटिक्स में काम करते हैं और इलेक्शन लड़ते हैं, है ना, चुनाव में खड़े होते हैं ना, और जीतते या हारते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट पॉलिटिशियन डज। देन कम्स द इंजीनियर। इंजीनियर आप सब ने सुना है, क्या करते हैं इंजीनियर, दे डिज़ाइन एंड बिल्ड थिंग्स लाइक रोड्स, ब्रिजेस और इंजन्स। वो क्या करते हैं, वो डिज़ाइन करते हैं और उनको बनाते हैं। किन किन चीज़ों को, रोड्स को, ब्रिजेस को और इंजन्स को, ठीक है। अलग अलग तरह के जो इंजीनियर्स होते हैं, मैकेनिकल होते हैं, सिविल होते हैं, इलेक्ट्रिकल होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स, ये सब क्या करते हैं, अलग अलग जॉब्स करते हैं। सो नेक्स्ट इज़ कंप्यूटर प्रोग्रामर। व्हाट डज इट डू, डिज़ाइंस द सिस्टम बाय विच अ कंप्यूटर रन्स और गिव्स इंफॉर्मेशन, ओके। नेक्स्ट इज़ एथलीट। एथलीट क्या होता है बेटा, जो दौड़ भाग करते हैं स्पोर्ट्स के, है ना। वर्क्स इन स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज सच एज रनिंग, जंपिंग एटसेट्रा। ये एथलेटिक्स के जो गेम्स खेलते हैं दे आर कॉल्ड एथलीट्स। देन डिस्क जॉकी। हु इज डिस्क जॉकी, ही कंट्रोल्स एंड पुट्स टुगेदर अ प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, कोई भी प्रोग्राम होता है म्यूजिक का उसमें। देन कंपोजर। कंपोजर कौन होते हैं, मेक्स अप द नोट्स टू क्रिएट म्यूजिक। आपने सुना होगा ना म्यूजिक कंपोजर, किसी भी सॉन्ग के, तो जो उस सॉन्ग का ट्यून या म्यूजिक मेलोडी बनाते हैं दे आर कॉल्ड द कंपोजर्स। देन काउंसलर। हु इज़ अ काउंसलर बेटा, एडवाइजेस पीपल व्हाट टू डू अबाउट जॉब्स, पर्सनल प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा। काउंसलर्स क्या होते हैं, वो आपको अगर कहीं भी कन्फ्यूजन है अपनी लाइफ में तो वो उसको सॉर्ट आउट करने में आपको हेल्प करते हैं। वो आपकी काउंसलिंग करते हैं, आपको अच्छा या बुरा बताते हैं, जिस भी प्रॉब्लम में आप फंसे हो उसको सॉर्ट आउट करने का रास्ता बताते हैं। देन कम्स जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट आपको पता है, रिपोर्ट्स ऑन रीसेंट न्यूज़ फॉर न्यूज़पेपर, रेडियो और टीवी, ठीक है। ये क्या करते हैं, टीवी पे, न्यूज़पेपर में, इन सब में रिपोर्ट्स तैयार करते हैं किसी भी न्यूज़ या कोई इन्फॉर्मेशन को लेके। गेटिंग एवरीवन, सो वी आर डन विद द क्वेश्चन आंसर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड आई होप यू एंजॉयड दिस चैप्टर एज वेल एज दिस पार्ट टुडे। We will meet in our next class with a wonderful poem which is titled as Wonderful Words. So join the next class also. Till then, everybody of you, take care, keep studying, have a great day beta.